बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर चैनल, यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द ब्लाइंडनेस ऑफ इल्तिज़ादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आई हैं एक सरप्राइज पार्टी। बिल्कुल, सबको ही सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, और आपका कोई बहुत ही प्यारा घर आए, कोई लव वन आए, कोई स्पेशल घर आए, तो आपका दिल करता है कि आप पूरे के पूरे घर को डेकोरेट कर दें और उसको सजा दें। तो इसी चीज़ को लेते हुए जनाब, हमारे भी घर में हमारा एक बहुत ही स्पेशल वन जो है वो गेस्ट आने वाला था, तो हमने उसके लिए पूरे घर को डेकोरेट किया। तो चलिए आपको घर की डेकोरेशन दिखाते हैं और मिलवाते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से। ओके जी, तो जैसे कि आपको बताया कि जी हमारे घर पर ही कोई स्पेशल किस्म का गेस्ट आने वाला था, तो हमने सोचा क्या किया जाए। बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आए थे। कभी दिल किया कि अच्छा बलून्स लगा देते हैं, कभी दिल किया कैंडल्स लगा देते हैं, और कभी दिल किया कि बहुत सारे रिबन्स लगा देते हैं। और हर आइडिया को फ्लॉप करते करते तो हम फाइनली एक आइडिया पर पहुँचे। हमने घर में इकट्ठी की अपने पास ग्लिटर डोरियाँ, यानी कि जो आपको बाजार से ग्लिटर करके जो रिबन मिल जाते हैं, तो हमने गोल्डन और रेड मैरून से स्टोन का जो है हमने लिए ग्लिटर रिबन, और साथ ही हमने लिए कुछ व्हाइट कलर के बलून, और कुछ जो है हमने लिए मेहरून कलर के बलून्स। और हमने सोचा कि किस तरह से इस दिन को, इस मोमेंट को खूबसूरत बनाया जाए आने वाले के लिए, तो इसलिए हमने अपने कॉरिडोर का जो है हमने इंतखाब किया। तो हमने कॉरिडोर के पास जो हमारी जो स्टेयर स्टार्ट होती थी, हमने कॉरिडोर को पहले अच्छे से लॉक किया, और लॉक करने के बाद हमने क्या किया कि हमारी जो स्टेयर थी और जो स्टेयर के साथ जो रैम होती है तो वो थी डार्क ब्राउन से कलर की, तो उसके ऊपर हमने गोल्डन कलर का जो रिबन जो है ना, इसको हमने राउंड राउंड शेप में जो है इसको लगाना शुरू कर दिया, और हर राउंड के बीच में तकरीबन जो है 4 से 5 उंगलियों का गैप था। तो इसी तरह से करके हमने पूरे के पूरे जो रैम है उसको हमने गोल्डन जो है डोरी के साथ जो है उसको हमने कनेक्ट कर दिया। फिर जरा हमने वॉल पे जो है, जैसे माला होती है ना, पर्ल्स की माला होती है, इसी स्टाइल से हमने जो मेहरून कलर का हमारा ग्लिटर वाला रिबन था, तो हमने उसको माला स्टाइल पे, हमारी ऑफ वाइट कलर की वॉल थी उसके ऊपर हमने सारा का सारा इसको स्टेयर्स की जो साथ वाली जो दीवार थी उसके ऊपर हमने डेकोरेट करते हुए एंड हम वॉल तक गए। और फिर हमने देखा कि नाउ लुकिंग नाइस एंड गुड, तो आगे मजीद क्या किया जाए। फिर उसके बाद हमने अपने व्हाइट कलर के बलून्स लिए, और बलून्स लेके उनको अच्छे से फुला के जो हमारी रैम थी, रैम के साथ जो हमने गोल्डन कलर की जो ग्लिटर डोरियां लगाई थी उसके साथ जो है हम सारे बलून्स जो हैं वो लगाते चले गए, यानी कि जहां जहां हमारी गोल्डन लेस की लेयर थी वहीं पर ही हमने साथ साथ जो है हमने बलून जो है वो लटकाना शुरू कर दिया। तो जनाब इसी तरह से हमने फिर सोचा कि भाई ये तो अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ और किया जाए। तो हमने फिर यही किया कि जो वॉल थी, वॉल के भी हमने डिफरेंट मल्टी शेड्स के जो है हमने बलून्स लिए। अच्छा, हमें मल्टी कलर के मिल नहीं रहे थे, बड़े मुश्किलों से हमें मिले, और गलती से हमें बर्थडे वाले मिल गए, तो हमने उसकी जो रुख है वो बदल दिया, और हमने हर वॉल के ऊपर जनाब हमने रेड, ग्रीन, येलो एंड मल्टी शेड के जैसे सारे के सारे बलून्स लटका दिए। अब हमें लुकिंग नाइस, अब हमें थोड़ा बेहतर लगा, हमने सोचा कि अब और क्या किया जाए। तो हमने जनाब कुछ गिफ्ट्स इकट्ठे किए और ये सोचा कि आने वाले के लिए एक बेहतरीन सरप्राइज होना चाहिए, तो हमने उसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गिफ्ट को जो है एक एक स्टेयर्स पे जो है वो हमने रख दिया, यानी कि हमने जो स्टेयर्स काउंट की तो ऑलमोस्ट ये 15 से अबव थी। तो हमने कॉरिडोर से लेके यानी कि ऊपर स्टेयर्स तक जो है हमने छोटे छोटे गिफ्ट्स जो हैं वो हमने वॉल के साथ लगाने शुरू किए कि आने वाले का जो है हम रिएक्शन चेक करेंगे कि उसका रिएक्शन क्या होगा इतने ज़बरदस्त सरप्राइज के लिए। तो चलें आपको मजीद दिखाते हैं कि हमने गिफ्ट्स में जो है वो क्या क्या चीज़ें लीं और मजीद हमने कैसे डेकोरेशन की। जी, हम एंटर हो गए अंदर। ये आप डेकोरेशन देख सकते हैं सारी, और हमने एक आइडिया लिया था कि हम उसके हर स्टेयर पे एक न एक गिफ्ट रखेंगे। तो पहले पे हमने रखा है मॉपिंग, झाड़ू, फिर दूसरे पे बॉल, तीसरे पे उसके प्लेइंग टॉय, फिर उसका वाइपर, दूध पीने वाला मग, ड्राइंग बुक, सॉफ्ट टॉयज, फिर उसका गिलास और पिंस वगैरह, स्लाइम्स, कलरफुल बॉल्स, टेडी बियर्स छोटे छोटे, और ये उसका डॉल्फिन, ये बड़ा है जी वाइपर, और ये छोटे छोटे टॉयज हैं, ये नूडल्स, चिप्स, ये कलर्स, और ये उसके कॉर्नफ्लेक्स और जूसेस वगैरह, और यहाँ पे है उसका टब स्विमिंग पूल। तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है।
हाँ, यहाँ पे हमने एक बैलून लगाया था जब ये आई थी, तब का लगाया था, लेकिन अब मैंने दोबारा लगा दिया बेबी गर्ल का, और यहाँ पे भी लगा दिया बेबी गर्ल का। नहीं, और आप बताओ ना कि आप ही आइडिया दे सकते हो ना कि आपका भी कोई अपना हाँ, प्यारा आए तो आप ऐसे वेलकम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपकी जब भांजी बहुत एक्सपेंसिव आप चीजें, हाँ ये जब से आप करते ये ऊपर से सारा व्यू देख, ये सारे इसके टॉयज रखे हुए एक एक सीढ़ी में। तो जनाब आपने देख ली डेकोरेशन, तो जनाब अब हम सरप्राइज जो है इसको हम ख़त्म करते हैं और हम बताते हैं कि हमारा बहुत सा प्यारा सा जो गेस्ट है, जो बहुत ही क्यूट सा जो गेस्ट है वो आ चुका है। तो जनाब नाउ ओपन द डोर, 3, 2, 1 एंड वेलकम। बिल्कुल, तो ये है हमारी प्यारी सी नीस यशल हैदर, और ये सारी की सारी डेकोरेशन थी हमारी यशल के लिए, क्योंकि वो अपना पहला कदम जो है वो हमारे घर रख रही थी, यानी कि अपने ननिहाल साइड पे, क्योंकि यशल रहती है मुल्तान में और हम रहते हैं इस्लामाबाद में, एंड शी वॉज टू यंग जब ये 2 महीने की थी जब आई थी, तो अब ये ऑलमोस्ट जो है ये 1 साल की हो गई थी, तो अब इसने चलना शुरू किया था, तो हमारा ये था कि उसका पहला स्टेप हो और वो एक एक चीज़ को इंजॉय करे। तो यशल के तो फेस एक्सप्रेशन जो है वो आप देख सकते हैं, स्पेशली आप यशल की चीखों को जो है ना आपको खूब इंजॉय करेंगे, शायद इस एज का बच्चा जो है ये खूब चीखें मारता है। तो वेल शी वॉज शॉक्ड, और वो बहुत हैरान भी थी, बहुत एक्साइटेड भी थी, और इसी एक्साइटमेंट में उसे सीढ़ियाँ भी नहीं चली जा रही थी, क्योंकि शायद अभी वो बहुत छोटी थी, उसने चलना शुरू किया था। तो फिर हमने उसको स्टेप बाय स्टेप जो है हमने उसको हर स्टेयर को जो है वो हमने उसको गिफ्ट सिखाए। स्पेशली आपको मैं यह बताती चलूँ कि यशल की फेवरेट हॉबी ये है कि आजकल शायद सब बच्चों की होती है कि क्लीनिंग करें, तो हमने उसके गिफ्ट्स के साथ साथ जो है हमने उसके लिए वो कुछ वाइपर भी लिए और कुछ मतलब ग्रूम भी लिए, झाड़ू भी लिए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ली, और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा बच्चा जो है वो ऊपर आया, और बच्चे के चेहरे की जो खुशी है वो आप नोट कर सकते हैं, और बच्चा उस टब में पूरा का पूरा ही गुम हो गया। हमें लगा कि ये शायद टब जो है ये बहुत छोटा है यशल के लिए, हमें इससे बड़ा लेना चाहिए, लेकिन वो जो उसका जो स्विमिंग पूल था उस स्विमिंग पूल के अंदर ही यशल भी गायब हो गई, और इन तमाम टॉयज के साथ वो एक टॉय लगी थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं यशल के कुछ खुशी वाले मोमेंट्स के, कि वो किस तरह से वो एंजॉय कर रही है और किस तरह से वो सरप्राइज है। यशल, लुक एट दिस, यश इज हियर, यशल, वाओ, हमारी छोटी सी ननी सी परी को जो है हमारी डेकोरेशन बहुत पसंद आई और उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो इस तरह से आप भी किसी के लिए भी सरप्राइज प्लान कर सकते हैं और उसके उस लम्हे को, उस मोमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए गुजारते हैं, ज़िंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएँ। सो वेल, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, और इस तरह की बहुत मज़े मज़े के आइडियाज़ और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगेमान।